आज के इस युग में जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के प्रति निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी गैजेट पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। कोई भी काम हो, हम अपने मोबाइल या लैपटॉप से तुरंत कर देते हैं। फिर चाहे वो बैंक में पैसे जमा करवाने हो, कोई बिल भरना हो, कुछ मंगवाना हो या फिर मनोरंजन के लिए कुछ देखना हो, हम अपने मोबाइल एवं गैजेट पर इतना निर्भर हो गए हैं कि हमारी सारी अहम जानकारी हमारे मोबाइल फ़ोन में हमेशा के लिए सेव हो जाती है। यहाँ तक कि हमारी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स डिटेल भी हमारे मोबाइल फ़ोन में रहती हैं। लोगों की मोबाइल पर लगातार बढ़ रही निर्भरता के चलते ही साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम रिकॉर्ड रखने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक पिछले एक साल में साइबर फ्रॉड की 20 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट फाइल की गई हैं। ऐसे में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे में हम आपको डिजिटल फ्रॉड के 7 ऐसे स्कैमों के बारे में बता रहे हैं जिन पर सिर्फ हाँ कहने भर से आपका अकाउंट खाली हो सकता है। 7 अगर आपके पास अनजान नंबर से फ़ोन आता है, फ़ोन करने वाला खुद को किसी बैंक का अधिकारी बताकर आपको क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने की बात करता है, तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए। पहले कॉलर आपको कहेगा कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर हो जाएंगे, फिर वह आपको एक लिंक भेजेगा और सारे डिटेल भरने के लिए बोलेगा, और इसके बाद जब आप उसमें सारी डिटेल्स भर देंगे तो आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऐसे फ्रॉड कई लोगों के साथ हुआ है, पुलिस ने कई फ्रॉड्स को पकड़ा भी है। 6 साइबर फ्रॉड का एक अनोखा मामला बिजली बिल भरने से जुड़ा है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके फोन में एक मैसेज आता है और यह मैसेज बिजली विभाग जैसा ही दिखाई देता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका बिजली का कनेक्शन फला तारीख को इतने बजे काट दिया जाएगा। आप हैरान रह जाते हैं, दिए गए नंबर पर फोन करते हैं। इसके बाद ठग आपसे पहले एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाते हैं, फिर उसके बाद आपका फ़ोन हैक करके आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। 5 वैसे तो व्हाट्सएप पर बहुत तरीके से फ्रॉड होते हैं, मगर एक फ्रॉड आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है जिसे हम न्यूड कॉल भी कहते हैं। इसमें आपको एक वीडियो कॉल आएगा और जैसे ही आप उस कॉल को उठाते हैं, सामने स्क्रीन पर आपको एक लड़की दिखाई देगी जो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, और जब तक आप कुछ समझ पाते हैं और आप अपना फ़ोन काटते हैं, तब तक उन लोगों का काम हो जाता है। उसके कुछ घंटे बाद आपको एक कॉल आएगी, हो सकता है कि आपको एक मॉर्फ वीडियो मिले, यानी कि एक ऐसा वीडियो जिसमें हूबहू आपके जैसा दिखने वाला शख्स कुछ गलत हरकतें करते हुए दिखाई दे, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। फ़ोन पर कोई आपको फ़ोन करके इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देगा। कई बार इंसान ना चाहते हुए भी ऐसे ट्रैप में फंस जाता है। इससे बचने का उपाय यही है कि आप किसी भी अनोन नंबर की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो फ़ोन को काट कर उसको ऑडियो कॉल करके जान लें कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। 4 मूवी रेटिंग देने के लिए क्या आपको भी फ़ोन में मैसेज आते हैं? दरअसल यह भी साइबर क्राइम का एक नया स्कैम है। चलो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक महिला को भी मूवी रेटिंग देने के लिए एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि घर बैठे ही मूवी रेटिंग देकर पैसे कमा सकते हैं। दरअसल इसके लिए यह लोग एक लिंक भेजते हैं, फिर उस पर लगातार क्लिक करने के लिए कहते हैं। फ्रॉड करने वालों ने महिला से भी कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा कि वह उस पर लगातार क्लिक करे, तभी पैसे उसके अकाउंट में आएंगे। महिला ने इस लिंक पर कई बार क्लिक किया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसके खाते से लाखों रुपए निकल चुके हैं। इसलिए कभी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें। 3 ATM मशीन के जरिए कई तरह की ठगी होती है, यह तो आप भी जानते हैं। लेकिन क्या ऐसी भी ठगी हो सकती है कि कस्टमर केयर वाले ही आपको कहें कि कार्ड मशीन में ही छोड़ दें, हम कल निकलवा लेंगे? जी हाँ, ऐसा भी एक फ्रॉड आजकल लोगों के साथ हो रहा है। दरअसल कई जगहों पर ठगों ने ATM पर बैंक के कस्टमर केयर नंबर की जगह अपना नंबर लगा रखा होता है। ठग बिना सिक्योरिटी वाले ATM मशीनों के ATM कार्ड रीडर पर
फेविक्विक की कुछ बूंदे गिरा देते हैं, फिर वहां हेल्प के लिए अपना नंबर चिपका देते हैं। ऐसे में व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह ठगों से बात कर रहा है कि कस्टमर केयर से, और अपना कार्ड उसी के अंदर छोड़ देता है, और बाद में उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं। इसलिए एटीएम कार्ड में जो कस्टमर केयर का नंबर पड़ा होता है, उस नंबर को अपने फ़ोन में हमेशा सेव करके रखें। 2. कई बार ऐसे विज्ञापन सामने आते हैं जिनमें वर्क फॉर्म होम के जरिए पैसे कमाने का ऑफर दिया जाता है, लेकिन जब लोग इन ऑफर में इंटरेस्ट शो करते हैं तो उनसे शुरुआत में कुछ रकम ली जाती है, यानी के पैसे जमा करवाया जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग भरोसा जीतने के लिए पहले कुछ पैसे आपके खाते में डाल भी देते हैं, लेकिन बाद में यह ऐसा चक्कर घुमाते हैं कि इंसान इनके जाल में फंसता चला जाता है। कुछ लोग रुपए के निवेश के चक्कर में बड़ा धोखा खा जाते हैं। 1. सोचिए कि आपके पेटीएम अकाउंट में अचानक से कुछ पैसे आ जाएं। जाहिर सी बात है, आप खुश हो जाएंगे। शायद आपका ध्यान नहीं जाएगा कि आखिर ये किस चीज के पैसे आए हैं, क्योंकि दिन में कई बार हम पेटीएम का यूज करते हैं। कई बार कैशबैक आता है, कई बार देर में भी आता है, लेकिन ध्यान रखिए, बिना कुछ किए ही अगर पैसे आते हैं तो अलर्ट हो जाइए। आपको हम एक स्टोरी बताते हैं। एक बार एक शख्स ने अपने किसी सामान को बेचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग ऐप डाला। कुछ लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। एक व्यक्ति ने संपर्क भी किया। सेलर ने वॉशिंग मशीन के लिए पेमेंट पेटीएम के जरिए करने को कहा। टेस्ट करने के नाम पर बायर ने सेलर को 2 रुपये भेजे और सेलर को भी 2 रुपये भेजने को कहा। इसके बाद हैकर ने उसके अकाउंट से तकरीबन 20,000 रुपये निकाल लिए। तो अगर आपको भी ऐसे कोई कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा सतर्क रहें। कभी भी अनजान कॉल या किसी भी ऑफर पर यूं ही भरोसा ना करें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन पर प्रेस करें।